अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े में होंगे ढेर सारा। आज हम जा रहे हैं बाहर, जैसे आपने टाइटल पे देख लिया होगा, बारबेक्यू की पार्टी पे। तो ये रास्ते में नमाज का टाइम हो गया तो रास्ते में रुके हुए। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मेरा ज़्यादातर ये था, वीडियो का ये स्टार्ट मस्जिद में, कि यहाँ जगह जगह पे मस्जिदें बनी हुई हैं माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि इशू नहीं होता, आपको नमाज़ पढ़नी है कहीं पे भी रुक जाएं और वज़ू कर लें, वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉपर इंतज़ाम होता है। नमाज़ को दिखाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ स्पेशल मेरा मकसद यही था बताने का, वीडियो बनाने का, कि ये हर जगह पे होना चाहिए, हर कंट्री में जी मस्जिद का इंतज़ाम। जी बड़ी आसानी रहती है कि आपके पास में कोई बहाना नहीं रहता कि मस्जिद नहीं मिली रास्ते में या कुछ नहीं और है। बिल्कुल और सड़क के बिल्कुल किनारे पे थी नमाज़। जी जी और ये हम पहुंच गए, ये यहाँ पे थी बारबेक्यू की पार्टी, गेट टुगेदर थी। उसमें पाकिस्तानी जिन अबू धाबी करके फेसबुक पे पेज है, उन्होंने अरेंज किया था ये पाकिस्तानी फैमिलीज़ के जो आना चाहती हैं। तो ये अलबत्ता रिजॉर्ट में था, बड़ी अच्छी जगह पे थी। एक्चुअली हमें पाकिस्तानी यहाँ फैमिलीज हमारे पास थी नहीं, सामने भी हमारे लोकल्स हैं, और नीचे सीरियन सीरियन है कि वो है, मेरे ख्याल से कुछ हैं, वो भी किसी और कंट्री के हैं, मतलब पाकिस्तानी नहीं है। बहुत अच्छे हैं हमारे नेबर्स, हमें हमेशा मिले हैं, बट पाकिस्तानी फैमिली के साथ हम ज़रा चाह रहे थे कि कोई आना जाना, कुछ बच्चे बड़े हो रहे हैं तो। ये सामान निकाल रहे हैं अभी, बहुत सारा सामान भरा हुआ था, हमने पूरी तैयारी करके आए थे। सर्दी भी फुल हो गई है ना। लोडेड, और नुमान मुझे बार बार कहते थे इतना पैक किया हुआ है, इतनी चीज़ें लेकर आई हो। बाद में जब वापस फाइनली घर आ गए तो स्टूडियो में कहते बड़ा अच्छा इंतजाम है। आज सर्दी थी वहाँ पे, वाकई सर्दी थी। अगर पैक ना होके गए होते तो सब बहुत परेशान होते। अच्छा हुआ ये सब कवर वगैरह करके गए हुए थे सब बच्चे भी। अच्छा फन था, बच्चे भी एक्साइटेड हो गए बाद में आने के बाद में यहाँ पे। ये हुज़ैफ़ा के शूज़, आप लोग साथ एंजॉय करें वीडियो। ये हुज़ैफ़ा शूज़ पहनना, जी ये गेम्स चल रही हैं कि जो रिंग जिस चीज़ में आएगी तो बच्चे को वही चीज़ मिलेगी खाने की चीज़। तो बस वैसे तो सब में बांटनी थी, बस एक पर्पज था कि चलो बच्चे खेल खेल में और एंजॉय कर लें। मूसा ने 2 टाइम ईमान विन किया था, और सब में भी सब सबको इक्वली दिया था। वो चॉकलेट्स थी हाल से, ये चॉकलेट्स थी और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज थी। आपने भी तो ली थी, आपने को कौन कौन सी कैंडी मिली थी? नहीं, मैं तो लेती नहीं थी ना, मैं तो हार गई थी। हमारे तो कभी लॉटरी भी नहीं निकली, कितनी चॉकलेट निकल आती। बड़ा अच्छा इंतजाम था, हर चीज़ का प्रॉपर वो उन्होंने करके लेकर आए थे। पानी, इवन के पानी तक का भी इशू नहीं था, पानी भी वहाँ पे उन लोगों ने इंतज़ाम किया था। हम यहाँ से बॉटल्स अच्छी अच्छी भर के गए थे मेरे घर में से, तो जब भी बच्चे गा हम लोग अच्छे बच्चे देखे कैसे बड़े बच्चे बढ़ बढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे बड़े खुश होकर एंजॉय करके गेम खेल रहे थे। मेरी तो बात रहेगी, लोग जब घर से निकलते हैं तो सीढ़ियों से स्कूल तक जाते हैं मेरे बच्चों को प्यार से दीजिए। नेक्स्ट टाइम मूसा के अब इस वाली जिंदगी के ये हमारा सुपरस्टार, ये बच्चा है उसके भी यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। ये बड़े अच्छे सॉन्ग गाते हैं, नाते वगैरह भी पढ़ता है। उसका अपना यूट्यूब चैनल है, गेमिंग चैनल है, मैं लिंक दे दूँगा। हमने गाना सो आपने सुन लिया होगा पूरा, बच्चे एंजॉयमेंट का टाइम। एंजॉयमेंट कहाँ की, हुज़ैफ़ा तो वहाँ पे जिप लाइन पे सिर्फ वो बन के खड़ा हुआ था, वो क्या उसको कहते हैं नुमान, जो वो मॉडरेटर बना हुआ था, मॉडरेटर, सबको मॉडरेट कर रहा था कि किसने क्या करना है, किसकी टर्न और किसकी टर्न नहीं है। हुज़ैफ़ा तकरीबन 3 घंटे हम लोग यहाँ 3 घंटे या 4 घंटे हम वहाँ रुके हैं, हुज़ैफ़ा कंटिन्यूसली यहीं पे खड़ा था, इधर से हिला ही नहीं, जो गुस्सा चढ़ा था बट मैं कह बाकी बच्चों ने तो एंजॉय किया वहाँ पे, काफ़ी एंजॉय की चीज़ें थी।
और ये हम सारे चीज़ें सामान अच्छा वो साथ लेके गए थे अपने ब्लैंकेट वगैरह। वैसे वहाँ पे ओस पड़ी थी उसकी वजह से वेट हो गए थे हर चीज़। ये एक्स्ट्रा सेल, बैटरी, पावर बैंक, चार्जर, ब्लैंकेट, बच्चों का थोड़ा बहुत जो स्नैक टाइम था, स्नैक तो नहीं कह सकते, हाँ स्नैक ही कह सकते थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं जाके खाते नहीं है, तो हम घर से ही इनको इनका मैकडोनल्ड जो इनका फेवरेट है वो मंगवा दिया था, और पिज़्ज़ा इन लोगों ने, एक का फरमाइश थी पिज़्ज़ा, तो वो भी मंगवा कर खिला दिया था, बट यहाँ पे बच्चों को खेल कूद में भूख लग जाती तो इनके फेवरेट के वेफर्स थे। और ये हमारे पास एक और सुपरस्टार भी थे अहमद भाई, वो भी सॉन्ग सुना रहे थे गिटार पे और सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। ये यहाँ पे तो नहीं, आगे जाके शायद आएगा वीडियो में, वो आग आग जला के आग के इर्द बैठ के भी बड़ा मज़ा आया उस टाइम में, बैठ के सॉन्ग सुना रहे थे सब लोग साथ में, सिंगिंग कर रहे थे, गरम गरम कप हाथों में थे, बहुत मज़ा आया। चाय भी साथ में। पार्टी का मजा नहीं होता जिसके लास्ट में चाय ना हो। नहीं, और सब लोग भी अच्छे थे, अच्छा लगा। हालांकि सब लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सब लोगों ने एक दूसरे के साथ में अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से मिले, अच्छा एक दूसरे का इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। अच्छा होता है ऐसा कभी कभी गेट टुगेदर, स्पेशली प्रदेश में अगर कोई अपने मुल्क का मिल जाए तो अपनी जबान का, बहुत अच्छा लगता है। असल मकसद यही था जाने का, वो बाकी तो हम लोग खुद भी जाते रहते हैं। ये फूड देखें, ये बारबेक्यू भी बहुत मज़े का, गरम गरम यम्मी, बहुत ही मज़े का था, और अच्छे तरीके से कुक हुआ। हमारा जो होता है, हम चाहते हैं बाहर के खाने अगर हों तो अच्छे तरीके से पके में हों। प्रोफेशनल शेफ थे ना ये लोग। ये स्पेशल मिल्तान डेरा करके एक रेस्टोरेंट है अबू धाबी में, ये वहाँ से शेफ लेके आए हुए थे, तो उन्होंने किया था तो और अच्छा है बड़ी ना जल्दी माशाल्लाह बना लिया अरमान। जी। जल्दी 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 रेडी हो गया था मैं वाकई। तो अभी सोच रही थी अच्छा अभी आवाज़ आएगी, अभी तो मतलब खाने को लेट है। इधर अभी इन्होंने अच्छा, ये प्रॉपर ही सारा इंतज़ाम था, प्रॉपर इन्होंने इसको कवर किया हुआ था कि वो ठंडे ना हों, यहाँ पानी, दूध, चाय का, और ये खाने के बाद का वो था, क्या इसको कहा जाता सौंफ, मीठे सौंफ वो हमने खाए नहीं, भूल ही गए। काफ़ी सारी वैरायटी थी ना वो, हमने कोल्ड बहुत ड्रिंक्स भी थी, और भी काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक भी थी जी, ऐसे ही और बारबेक्यू में भी हर चीज़ थी, और ये मेरे बच्चों का गुलाब जामुन फेवरेट। स्वीट भी था। ये बिरयानी थी, बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, लेकिन बारबेक्यू की बात ही स्पेशल थी। बारबेक्यू में हर चीज़ थी ना, कबाब था, टिक्का था, मलाई बोटी थी, बहुत सारी वैरायटी थी, उन्होंने सब एक ही उसमें डाल दिया था कि किसी को इशू ना, और साथ चटनी, चटनी बहुत मज़े की थी। मैंने तो जितना बारबेक्यू लिया उतना ही चटनी ली दो है, तरह की चटनी थी, एक तो उसकी थी दही की, दूसरी रेड कलर वाली किस चीज़ की मेरे थी? ख्याल से आलू बुखारे की थी। आलू बुखारे थी लेकिन स्पाइसी थी। ये फिर अहमद भाई खाने के बाद में फिर दोबारा सॉन्ग सुन रहे थे सब। अभी आप लोग भी सॉन्ग सुने, एंजॉय करें। अभी तो आप बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, हम बताने के लिए तो बहुत स्टोरी थी, बट इतनी भी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपको, उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। ये इश्क की मर्जी है।